से आप देख रहे हैं वर्षा ब्यूटी लाइफ का चैनल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब। आज हम एक ब्यूटी आपके ब्यूटी वीडियो लेके आए हैं जो कि है बीन वॉश। देखिए ये है हॉट बीन वॉश। देखिए कितना छोटा छोटा आता है और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। घर में कैसे इजी तरीके से आप करेंगे वही आपको बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे और वो कैसे करते हैं। तो हम आज आपको कटोरी में करके दिखाते हैं क्योंकि सबके पास तो ये जो हॉट हीटर है सबके पास नहीं होगा ना, तो ये हीटर सबके पास नहीं होगा तो कैसे करेंगे घर में। तो आप बहुत इजी तरीके से घर में कैसे कर सकते हैं हम दिखाएंगे। अब पहले तो हमको वॉश करना जरूरी है कि नहीं वो बताएंगे। वॉश करना जरूरी है लेकिन हेयर रिमूवर क्रीम लगाना जरूरी नहीं है। वो लगाने से क्या होता है, हमारा हेयर जो बॉडी है ना धीरे 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 ब्लैक हो जाता है। जैसे कि हम लगाते हैं हम सोचते हैं कि नहीं तो हमारा तो बॉडी ब्लैक नहीं हुआ, तो कैसे बोलते हैं कि ब्लैक हुआ, लेकिन ब्लैक होता है किसक नहीं होगा। जब लगाएंगे तुरंत रिजल्ट नहीं होगा, धीरे 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 ब्लैक होगा। लेकिन ये वॉक्स करने से हमारा क्या होगा, ब्लैक तो नहीं होगा लेकिन हमारा बॉडी का जो मैल धूल है साफ हो जाएगा, ब्लड क्लीन हो जाएगा। तो ये कि बेनिफिट है इसका, क्या इसका जरूरत हमको नहीं है। हम छोटे छोटे पार्टीशन लेके छोटे छोटे पार्टीशन लेंगे, थोड़े थोड़े लगाएंगे और खुद ही निकालेंगे। बहुत इजी तरीका था, ये भी हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि घर में करेंगे सबके पास ये अवेलेबल नहीं होगा। तो हम ये कटोरी में करेंगे और कटोरी को कैसे साफ करेंगे आपको भी दिखाएंगे। क्योंकि हीटर हो या कटोरी हो जिसमें भी हम ये वॉक्स करते हैं नीचे लग जाता है ठंडे होने के बाद, निकलता नहीं है, तो इसको कैसे साफ करेंगे वो भी दिखाएंगे। तो चलिए हम इससे आज नहीं दिखाएंगे, इसकी मदद से आपको दिखाएंगे जो कि सब कर सकते हैं घर में, सब कर सकते हैं इसलिए हम दिखाएंगे। तो चलिए तो पहले देखिए मैंने पैर में कर रही हूँ, पहले उसको साफ कर लीजिए गीला कपड़ा से, कुछ भी हो कॉटन कपड़ा आप साफ कर लीजिए पहले। और कोई भी लोशन वगैरह मत लगाइए, लगाने से वो हेयर नहीं निकलता है। और थोड़ा सा पाउडर टॉल्कम पाउडर लगा लीजिए। तो थोड़ा सा हम करेंगे दिखाने के लिए। देखिए कटोरी में हम ले लिए और गैस में बस बैठा लिए और पूरा वो पिघल जाएगा। पूरा हीट मत कीजिए, गरम गरम लगाने से जल जाएगा बॉडी, इसलिए देखिए इतना बस लेंगे और उसको फूंक मारते हुए आइसक्रीम ठीक पे या बटर नाइफ पे लगाइए। और पतला मत लगे, पतला लगाने से वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा बॉडी से। पूरा मोटा लगाइए और ऐसे प्रेस कीजिए और धीरे से देखिए इसे उठा लीजिए, सारा हेयर निकल जाएगा। मेरा तो इतना हेयर भी नहीं है, आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन का उसको प्रेस कीजिए। और देखिए मैं अभी नाइफ से कर रही हूँ, देखिए ऐसे मोटा परख लेना चाहिए आपको, ऐसे देखिए प्रेस कर रही हूँ और धीरे से उसको आराम से पूरा निकाल दीजिए, जितना हेयर है निकल जाएगा देखिए। और उसको पानी में पूरा साफ कीजिए, ये देखिए इतना परसेंट में हम किए थे और उधर का इधर का नहीं किए हैं, थोड़ा थोड़ा हेयर है। आपको दिख रहा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरा इतना हेयर नहीं है, इसलिए ये देखिए पूरा साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ये आप फेस पे भी कर सकते हैं और पूरा साफ कर लीजिए पानी से। देखिए ये बाद में हम किए थे। और ज़्यादा गर्म मत कीजिए और थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके पूरा लगा लीजिए। और ये हेयर अब जल्दी भी नहीं आता है, बहुत लेट से आता है। और देखिए जितना बच गया है उसको हम कैसे निकालेंगे, ठंडा होने के बाद वो नहीं निकलता, इसलिए उसको गर्म थोड़ा कीजिए और टिश्यू पेपर लीजिए या कोई भी पेपर लीजिए, उसको ऐसे ही पोंछ लीजिए, वो पूरा साफ हो जाएगा। देखिए ऐसे छोड़ देंगे तो पूरा नीचे बैठ जाएगा, नहीं निकलेगा। देखिए इसको साफ कर देंगे। तो आप ज़रूर घर पर लाइए और वॉक्स कीजिए। तो रहते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।